Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we will learn about addition of matrices and subtraction of matrices. पहले हम देखते हैं addition क्या होती है. Two matrices A and B can be added if they have same order. Addition जिस तरह जहर हो रहा है इनको हमने two matrices को जमा करना है, एक दूसरे के साथ add करना है. तो वो क्या कह रहा है, two matrices A and B can be added if they have same order. अगर उन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनको जमा कर पाएंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो आपस में जमा नहीं होंगे. देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज कैन बी एडेड, और उनको ऐड किस तरह होंगे, उनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज एक दूसरे के साथ ऐड होंगी. एग्जांपल देखते हैं, हम हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये ए की एंट्रीज हैं ये बी की एंट्रीज हैं, हम ए और बी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. तो हम देखें, हमने ए लिखा है प्लस बी की लिख दिए हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक और पाँच, वन एंड फाइव इसको ऐड करेंगे, टू प्लस सिक्स, इसी तरह थ्री प्लस सेवन और फोर प्लस एट, हम इनको ऐड कर देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. ये क्या हो गया, हमारे पास एडिशन हो गई है. अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन क्या है. टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी सब्ट्रैक्टेड इफ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर. इसके भी बिल्कुल इसी तरह है कि किस तरह ऐड होंगे, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे, अदरवाइज वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे. और सब्ट्रैक्ट किस तरह होंगे, इसी तरह जिस तरह इसके ऐड हुए थे इसी तरह सब्ट्रैक्ट होंगे, उनको भी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज ही एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे से माइनस होंगे. एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए माइनस बी, हमने ए के लिखे हैं फिर बी को लिख दिया, दरमियान में क्या होगा, ये माइनस होगा. अब ए माइनस बी हम क्या करेंगे, आठ माइनस फोर, नाइन माइनस फाइव, टेन माइनस सिक्स, अलेवन माइनस सेवन, ये हमने लिख दिया है, साथ ही ए माइनस बी के हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है. नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद रियल नंबर. हम मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे. लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, हमने ए मैट्रिक्स लिया है एंड के इज ए रियल नंबर, और के क्या हमारे पास कोई भी रियल नंबर है. देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर के इज ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के. हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, हमने एक मैट्रिक्स लिया है और एक कोई स्केलर नंबर लिया है के, अब क्या करेंगे, के को ए की तमाम एंट्रीज के साथ ज़रब देंगे, तमाम एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देखते हैं हम कैसे करते हैं. मैट्रिक्स ए है हमारे पास, लिख दिया हमने, हमने किसी मल्टीप्लाई करना है इसको, स्केलर नंबर किसी भी रियल नंबर के साथ, के के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, के किससे मल्टीप्लाई हो गया, हर एंट्री के साथ, के इससे मल्टीप्लाई होगा, सी से भी होगा, डी से भी होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा. ये हमारे पास इस तरह क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन होती है इसकी. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम दूसरी, हमने ए मैट्रिक्स लिया है टू थ्री फोर एंड फाइव, हमने रियल नंबर कौन सा लिया है, थ्री, थ्री के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री नाइन, थ्री बाई फोर ट्वेल्व, थ्री बाई फिफ्टीन फाइव फिफ्टीन. ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी मल्टीप्लीकेशन आ गई है रियल नंबर के साथ, ये हमने देख ली है. नेक्स्ट हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी. किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है. फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड जीरो मैट्रिक्स, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स है और दूसरा क्या हमारे पास नल मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर भी सेम है, सेम ऑर्डर भी होना चाहिए. तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, अगर हम ए और नल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ए प्लस जीरो ए प्लस नल इज इक्वल टू ए, या नल प्लस ए वो भी ए के बराबर आएगा. तो ये क्या जाहिर कर रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स की क्या होती है, नल मैट्रिक्स होता है. ये देखें, हमने एग्जाम्पल लिया है ए और के साथ क्या लिया है, नल मैट्रिक्स लिया है, ऑर्डर दोनों का सेम है, ये भी टू बाई टू का है, ये भी टू बाई टू का है. अब देखें हम इनको ऐड कर रहे हैं, ए प्लस जीरो ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हमने इनके क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज को ऐड किया है, ये इनका आंसर क्या आ गया है, ए प्लस जीरो क्या आ गया है, ए आ गया है, सेम ये वाला ऐड किया है, ये वाला ए आ गया है दोबारा. तो ये क्या हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी. किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, नल मैट्रिक्स होता है. अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का. हमने दो मैट्रिक्स लिए ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, या बी प्लस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. कोई भी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम उन दोनों को करें ऐड और उनका आंसर आ जाए नल मैट्रिक्स, तो हमारे पास एक दूसरे के क्या होंगे, वो इनवर्स होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे.
एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ए है, ये बी है। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी, ये ए के ऑर्गन प्लस बी रख दिया हमने। अब इनको ऐड किया है, टू प्लस माइनस टू, फोर प्लस माइनस फोर, ये फाइव प्लस माइनस फाइव, ये सिक्स प्लस माइनस सिक्स, ये हमने इनको ऐड कर दिया। अब इनको देखो, टू प्लस माइनस टू क्या आंसर आएगा, जीरो, इसका भी जीरो, ये सब क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। यानी कि ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया है, नल मैट्रिक्स के। तो हमारे पास ये क्या होगा, ए प्लस बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह वी कैन से दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होता है।